हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मयंक और आज अपने पढ़ने वाले आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसको अपने अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्चुअली और रिवाइज भी कर लेंगे ऑन द स्पॉट। तो चलिए इसको स्टार्ट कर। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है। सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। सेकंड पॉइंट वो क्या बोलता है, क्या है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए आप आईटीसी ले रहे हो उसको आप बिजनेस में यूज़ करना, तभी आप उसका आईटीसी ले सकते हो। अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, करेक्ट। और जो टैक्स इनवॉइस है वो आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए, बट इसका एक्सेप्शन है 36(4) क्या बोलता है कि क्या होता है। मान लीजिए आप सप्लायर से मान लिए तो सप्लायर GSTR 1 में आपका डिटेल्स डालेगा, आप रेसिपेंट है आपके GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड ITC, उसका आपको फुल मिलेगा। अनरिकॉर्डेड ITC क्या होता है, जो सप्लायर ने नहीं डाला GSTR 1 में या डाला पर आप में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ किसी कारणवश, तो वो होगा अनरिकॉर्डेड ITC। तो अनरिकॉर्डेड ITC का आपको मिलेगा 10% ऑफ रिकॉर्डेड ITC और एक्चुअल अनरिकॉर्डेड, विच एवर इज लोअर। 10% ऑफ अनरिकॉर्डेड नहीं बोल रहा हूँ, 10% ऑफ रिकॉर्डेड ITC और एक्चुअल, विच एवर इज लोअर, इतना आपको ITC अवेलेबल होगा अनरिकॉर्डेड वाला, और रिकॉर्डेड वाला तो आपको फुल मिल जाएगा। फिर बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होना चाहिए वो आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए, तभी आप ITC लीजिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए तभी आप ITC लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें बिल टू शिप टू जो है वो एक्सेप्शन है, बिल टू शिप टू जो है वो एक्सेप्शन है। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको, यह है कि सर्विस को भी बिल टू शिप टू अब एप्लीकेबल हो गया। पहले सिर्फ गुड्स के लिए एक्सेप्शन था, अब ये सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर जो पॉइंट है वो बोलता है कि जो टैक्स है जिसके लिए आप इनपुट ले रहे हो वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए तभी आप लेना। गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ तो वो आपको इनपुट कहाँ से देगी, इसलिए वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि रिटर्न जो है पीरियडिकली फाइल हो जाना चाहिए, रिटर्न जो है पीरियडिकली फाइल करना चाहिए रेसिपिएंट को, तभी वो ले सकता है ITC। तो क्या है ये 7 पॉइंट्स, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेकेंडली आप बिजनेस के लिए यूज़ करना, थर्डली आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो जाना चाहिए, बिल टू शिप टू मॉडल एक्सेप्शन है, टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड हो जाना चाहिए, आपका रूल 36(4) रिकॉर्डेड का 100%, अनरिकॉर्डेड का 10% ऑफ रिकॉर्डेड और एक्चुअल अनरिकॉर्डेड, विच इज लोअर, इतना ITC आपको मिलेगा। फिर अपने बात करते हैं गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, पीरियडिकल रिटर्न लग जाना चाहिए, गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, पीरियडिकल रिटर्न लग जाना चाहिए। आइए कुछ पॉइंटर्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है इसमें जो कि बोलता है कि अगर आपको लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है गुड्स, तो जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट मिल जाए उसके बाद ही ITC क्लेम करना, ठीक है। आपका जो इनपुट टैक्स है अगर आप उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो फिर आपको ITC नहीं मिलेगा, यानी जो GST आपने पे किया गुड्स परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए, उस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया उस GST अमाउंट पे, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक मिलेगा ना, आप दोनों कैसे बेनिफिट ले सकते हो, समझे। थर्ड पॉइंट बोलता है कि रेसिपेंट को 180 दिन के अंदर सप्लायर को पे कर देना चाहिए टैक्स का अमाउंट, करेक्ट। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जितना भी ITC रेसिपेंट ने क्लेम किया है वो रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 18%, यानी उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे वो एड ऑन हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। अच्छा, कितने दिन के अंदर अवेल करना, अवेल और यूटिलाइज में डिफरेंस है, अवेल और यूटिलाइज में डिफरेंस है। अवेल क्या होता है, अवेल मतलब होता है कि आप अवेल कर लो, पर यूटिलाइज आप कभी भी कर सकते हो, जब तक आप लाइफ लॉन्ग कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, पर अवेल करने की टाइम लिमिट है, यानी आप एक बार उसको अपने अकाउंट में ले आओ, उसके बाद आपको जब यूज़ करना है आप तब यूज़ करो, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अवेल कर लो। तो अवेल कब तक करना है, अपने को अवेल करना है इसको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, ठीक है, तो उसका फॉलोइंग क्या हो जाएगा, 21-22 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो इसका सितंबर जो होता है वो होता है सितंबर 21, तो सितंबर 21 का ड्यू डेट कब आता है रिटर्न का, अक्टूबर 21, यानी अक्टूबर 21, ठीक है, एक डेट हो गया आपका अक्टूबर 21, इसको साइड रख दीजिए। सेकेंड डेट क्या बोलता है, रेलिवेंट एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट कब होता है फाइनेंशियल ईयर का। जैसे आपने एग्जांपल में 2021 था, तो इसका कब होगा, 31 दिसंबर 2021, तो 31 दिसंबर 2021 या 28 अक्टूबर 2021, विच एवर इज अर्लियर, यानी 28 अक्टूबर 2021 ये आपका लास्ट डेट होगा, यहाँ तक आपको अवेल कर लेना है। अवेल की बात कर रहा हूँ, यूटिलाइज की नहीं, यूटिलाइज आप कभी भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट थोड़ा अगर आपको अनक्लियर लग रहा है तो इसको आस्ते से आप रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। और ओरिजिनल इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल इनवॉइस क्या होता है, ओरिजिनल इनवॉइस मतलब होता है इनवॉइस आपका 2021 का है और डेबिट नोट आपको 2021-22 पे मिला है, फिर भी हम लोग 2021 वाला ही लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस से अपने को देखना है इसको,
ओके। तो ये बहुत इजी था, सिंपल पॉइंटर्स था, कुछ भी नहीं था इसमें सब। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट खत्म होता है। अब अपने बढ़ेंगे 17.5 की तरफ। तो आइए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है 17.5 ब्लॉक क्रेडिट। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या है वो फटाफट देख लेते हैं। ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या होता है, जो अभी मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ, अगर आप इसका इनपुट लेते हो तो ये सब का आप इनपुट एज एन ITC आप आउटपुट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ करना इज नॉट अलाउड, ओके। तो इसको बोलते हैं ITC इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो क्या है वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में क्या होगा, आपको मोटर व्हीकल आते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि गुड्स के लिए है कि पैसेंजर के लिए। अगर गुड्स के लिए है तो ITC अवेलेबल, बात खत्म। पैसेंजर, पैसेंजर के लिए तो आपको देखना है कि सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर कितनी है। अगर मोर देन 13 है तब तो ITC अवेलेबल, और अगर 13 या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो जनरली ITC इज़ नॉट अवेलेबल। बट इफ़ इट इज़ फॉर स्पेशल पर्पज़ देन ITC इज़ अवेलेबल। अब स्पेशल पर्पज़ क्या है, सबसे पहला अगर आप उस व्हीकल को यूज़ कर रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई, व्हीकल को आप यूज़ कर रहे हो फॉर फर्दर सप्लाई एज सच तो आपको मिल जाएगा, या उस व्हीकल को आप यूज़ कर रहे हो किसी को सिखाने के लिए यानी मोटर ट्रेनिंग वाले लोग, उन लोग को मिल जाएगा, और या तो आप इसको यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, अरे जो रोड में अपने नहीं देखते बस गाड़ी जो चलता है नॉर्मल पैसेंजर के लिए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अपने क्या बोले, मोटर व्हीकल के केस में, मोटर व्हीकल केस में गुड्स के केस में मिलेगा, पैसेंजर के केस में 13 से ज़्यादा है या 13 या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो अगर 13 से ज़्यादा है तो ITC मिलेगा, 13 से कम है या 13 है या उससे कम है तो ITC जनरली नहीं मिलेगा, पर अगर स्पेशल पर्पज़ के लिए तो मिलेगा। स्पेशल पर्पज़ मतलब फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, पैसेंजर के लिए यूज़ कर रहे हैं या उसको सिखा रहे, ट्रेनिंग दे रहे उस व्हीकल से, तो मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट है जो अपना बी लिखा हुआ उसको डबल ए कर दीजिएगा, वहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया तो बी नहीं होगा वो डबल ए होगा। वो क्या बात करता है, वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट में आपको 13 वाला दिमाग नहीं लगाना है, वेसल और एयरक्राफ्ट में आपको 13 वाला दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिंपली देखना है पैसेंजर के लिए कि गुड्स के लिए, गुड्स के लिए तो ITC मिलेगा, पैसेंजर के लिए तो ITC आपको नहीं मिलेगा जनरली, पर स्पेशल पर्पज़ के लिए है तो आपको मिल जाएगा। अभी स्पेशल पर्पज़ क्या है, सेम जो ऊपर था, फर्दर सप्लाई सर्च कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के लिए यूज़ कर रहे हो, या ट्रेनिंग ड्राइविंग नहीं होगा क्योंकि वेसल को ड्राइव नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट को ड्राइव नहीं करते, उसको बोलते हैं नेविगेट और फ्लाइंग, नेविगेट या फ्लाइंग। अगर ये दो चीज़ सिखा रहे हैं एयरक्राफ्ट और वेसल में तो उसके लिए आपको ITC मिल जाएगा, सिंपल है। अब ए बी क्या बोलता है, अगर आप जनरल इंश्योरेंस ले रहे हो, रिपेयर ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो रिलेटेड टू मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, दैट इज़ रेफर्ड इन क्लॉज ए और डबल ए, यानी वहाँ तो नहीं मिलेगा। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, मोटर व्हीकल में ध्यान से समझिए, जो 13 से या उससे कम है और नॉर्मल केस में जिसमें ITC नॉट अवेलेबल है, उसके लिए अगर आप रिपेयर ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका भी ITC आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। और वेसल के केस में, वेसल के केस में जैसे गुड्स के लिए तो अलाउड है, तो वहाँ पे अगर आप रिपेयर्स वगैरह ले रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। नॉर्मल केस में ले रहे हो जिसमें आपको ITC नहीं मिलता, यानी पैसेंजर वाले में जिसमें आपको ITC नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको उसका रिपेयर भी नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा और सर्विसिंग भी उसकी आपको एज एन ITC नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है आपका B-1। B-1 क्या बोलता है, कॉस्मेटिक, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये सब के लिए आपको ITC इसका नहीं मिलेगा। अगर आप इसको एज एन इनपुट ले रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि आप इसको यूटिलाइज़ कर लोगे एज एन ITC तो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल नीचे से खरीद के लेके आते हो और उसको सोचते हो कि बिजनेस पे अपने दिखा के उसमें से ITC ले लेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला, वो ब्लॉक्ड है। या अगर आप लीज कर रहे हो, रेंट कर रहे हो या हायर कर रहे हो, क्या मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट, दैट इज़ रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड डबल ए। ए एंड डबल ए 17.5 का कौन सा था, बहुत सिंपल, जिस पे अपने को ITC नहीं मिलता था, 13 या उससे कम इन केस ऑफ वेसल, इन केस ऑफ व्हीकल एंड वेसल एयरक्राफ्ट के केस में पैसेंजर वाला, अदर देन स्पेशल पर्पस, ऊपर भी स्पेशल पर्पस वाला नहीं लेते तो उसमें ITC मिलता था। यानी अगर ये दो क्राइटेरिया है तो अगर इसका आप कर हायरिंग भी कर रहे हो, लीजिंग भी कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, इसका अगर आप रिपेयर कर रहे हो और इंश्योरेंस ले रहे हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, यानी हर जगह से इसको ब्लॉक करके रखा हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे अगर आपको GST लग के आ रहा है तो उस GST को आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से नहीं है ना, वो बिजनेस के लिए नहीं है, इसीलिए आप उसको नहीं ले सकते हो। बट आइए इसका नेक्स्ट प्रोविज़ो देख लेते हैं। प्रोविज़ो B-1 का है, ठीक है। क्या बोलता है, बोलता है कि अगर आप ये ऊपर जो जो मैंने सर्विस बोली ना, कॉस्मेटिक हो गई, फूड एंड बेवरेजेस हो गई, आउटडोर कैटरिंग होगी, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो एज एन इनपुट फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट, एज एन इनपुट फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट,
तो उस केस में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जिस शॉप से आपने परचेज किया है कोल्ड ड्रिंक, तो वो शॉप वाला उस कोल्ड ड्रिंक का ITC ले सकता है, पर आप नहीं ले सकते क्योंकि वो सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप फीस ले रहे हो क्लब की या फिटनेस क्लब की, तो भी आपको ITC नहीं मिलेगा। उस मेंबरशिप फीस पे जितनी भी GST लगी होगी उसकी आपको ITC नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड कर रहे हो एम्प्लॉय को, यानी लीव ट्रैवल अलाउंस दे रहे हो, तो उसके लिए भी जो ITC आप लिए हो, जो भी टैक्स आप दिए हो, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। जो भी इनपुट टैक्स आप दिए हो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। बट बी वाले की बात कर रहा हूँ, पूरे बी के लिए, कॉस्मेटिक, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिर तुम्हारा क्लब वाला, और फिर तुम्हारा लीव ट्रैवल अलाउंस, अगर ये तीनों जो है, अगर ये तुमने अंडर एनी लॉ दिया है, किसी लॉ के तहत दिया है, तो फिर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आप पे कंपल्शन हो गया ना। अगर कंपल्शन है तो गवर्नमेंट ने कंपल्शन डाला है, तो उस केस में आपको उसकी ITC मिल जाएगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली है, तो आपको ITC नहीं मिलेगी। करेक्ट, समझा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है, तो आपको उसकी ITC नहीं मिलेगी। पर प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया है तो मिलेगी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग लिया है तो मिलेगी। यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली, उस पर आपने टैक्स दिया, उस टैक्स का ITC आप नहीं सेट ऑफ कर सकते हो, अगर आपने वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। यानी प्लांट एंड मशीनरी बनवाए हो तो मिल जाएगा, क्लियर? और या तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो सब कॉन्ट्रैक्ट केस में मिल जाएगा। यानी मिस्टर ए को आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बोला कि तुम मेरे बदले जाके ये काम कर दो, बदले में कमीशन दे दूंगा, तो ए और सी के बीच में जो है वहाँ पे उन लोग को ITC मिल जाएगा, ए को ITC मिल जाएगा सी में जितना भी खर्चा हुआ है उसके लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके लिए आपने गुड्स लिया, सर्विस लिया, और उस गुड्स और सर्विस में टैक्स लग के आया, तो उस टैक्स को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, उस टैक्स को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में ITC लगा है वो ब्लॉक्ड है, उसको आप नहीं यूज़ कर सकते। पर प्लांट एंड मशीनरी वाला यूज़ कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी बनाया है तो आपको यूज़ कर सकते हो। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा प्रमोट किया गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी होता क्या, आइए चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने लिए, अगर वो बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो ना, तो भी ITC नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी ITC नहीं मिलेगा। पर्सनल घर नहीं बना रहे, एक ऑफिस बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ITC नहीं मिलने वाला है। प्लांट मशीनरी क्या होता है देख लेते हैं। प्लांट मशीनरी मतलब क्या होता है, अपरेचर इक्विपमेंट मशीनरी, ठीक है, दैट इज फिक्स टू अर्थ, ठीक है, बाय फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड इंक्लूड्स द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ यहाँ बनेगा आपका। टेलीफोन कम्युनिकेशन टावर, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन टावर होता है ना टेरेस पे, वो एक्सक्लूड है, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर बिछाया जाता है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। क्या नहीं है? टेलीफोन टावर जो टेरेस पे होता है वो नहीं होता है, पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर बिछाई जाती है वो नहीं होती है, और आपका लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी होता है। ये तीन चीज़ आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता है। सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन, आपको पता है कॉम्पोजिशन वाले पे ITC नहीं मिलता है, उसमें नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको NRTP को ITC नहीं मिलता है। NRTP मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ITC नहीं मिलता है, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ITC मिलता है। तो यहाँ पे अब MCQ बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ITC मिलता है, NRTP यानी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ITC नहीं मिलता है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स लियो या सर्विस लियो तो उसका ITC नहीं मिलता, पर्सनल कंजम्पशन पर नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर पढ़ के आए, चूँकि वो बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए तो ही उस पर मिलेगा। फिर अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, या फ्री सैंपल दे दिया आपने, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। बट फ्री सैंपल में आपको थोड़ा सा एक बाइफर्केशन बताता हूँ। अगर फ्री सैंपल आपने दिया है और आपको पहले से पता है कि ये गुड्स को मैं एज अ फ्री सैंपल देने वाला हूँ, तो ITC लेना ही मत, चूँकि 17(5) में ब्लॉक है। बट अगर आपने पहले ITC ले लिया, बाद में आपने डिसाइड किया कि इस वाले पोर्शन को हम एज अ सैम्पल दे देंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पैरा 1 शेड्यूल 1 के हिसाब से उसको सप्लाई ट्रीट कर लेना, और उस पे जो वैल्यू है उस पे वो टैक्स दे देना आप, नहीं तो प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। अब सेक्शन 74 डिमांड एंड रिकवरी में 129-130 ऑफेंस एंड पेनल्टी में आपने जो भी टैक्स दी है उसका आपको ITC नहीं मिलने वाला, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। क्विक रिविजन कर लेते हैं, 17(5) का बहुत इजी है, सिंपल सा है। मोटर व्हीकल के केस में अगर 13 या उससे कम है तो आपको ITC नहीं मिलेगा। पैसेंजर केस में, गुड्स के केस में आपको मिल ही जाएगा। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में 13 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, गुड्स के केस में मिल जाएगा, पैसेंजर केस में नहीं मिलेगा, स्पेशल केस में मिल जाएगा दोनों में। फिर है आपका फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ये सब पे नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऐसे इनपुट इसको यूज़ किया फॉर आउटवर्ड सप्लाई सेम कैटेगरी, तो आपको मिल जाएगा। क्लब की मेंबरशिप फीस दी तो आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आपने क्या किया,
लीव ट्रैवल अलाउंस दिया तो आपको नहीं मिलने वाला, पर तीनों को आपने दिया है अंडर कंपल्शन ऑफ एनी लॉ तो आपको ITC मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इमोल प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, प्लैंड एंड मशीनरी दोनों के केस में मिल जाएगा, पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलने वाला, सेक्शन 10 नहीं मिलने वाला है, NRTP को नहीं मिलेगा, CTP को मिलता है याद रखिएगा, 74 पे नहीं मिलेगा, 129 130 पे नहीं मिलेगा। अगर आपका गुड स्टोल हो जा रहा है या फ्री सैंपल आपने वगैरह दिया है तो आपको नहीं मिलेगा, फ्री सैंपल पे बाइफर्केशन था वो एक बार जाके देख लीजिएगा। तो यही तो यहाँ खत्म होता है अपना फर्स्ट पार्ट। अब आप क्या करो, इस फर्स्ट पार्ट को फटाफट जाके एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप जाके सारे क्वेश्चन और आंसर बना दो जितने भी हैं, और उसके बाद ही पार्ट टू में जाना, उसके पहले पार्ट टू में मत जाना। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं यहाँ पे आपके पढ़ाई से रिलेटेड।